तो कल के लेक्चर में हम बताए थे आप लोगों को टाइप्स ऑफ कमीशन, बता रहे थे टाइप्स ऑफ कमीशन। पहला बताए थे आप लोगों को जनरल कमीशन, दूसरा बताए थे डेल क्रेडर कमीशन, और आज बताने वाले हैं आपको ओवरराइडिंग कमीशन। गलत ये सही? चलिए सही है सर। तो जनरल जनरल कमीशन सर तो देखने आपके तरफ से प्रॉब्लम है। नयन सुख में जाइए, थोड़ा सा चश्मा लीजिए। नेटवर्क के कारण सर। आपको दिख रहा ना अंकित? यस सर दिख रहा है सर। तो जनरल कमीशन क्या होता है? जो नॉर्मल कमीशन मिलता है सर वो। नॉर्मल कमीशन जो हम लोग सुनते हैं वही है, ठीक है, जो हम लोग आम आदमी जानता था आज तक वही। डेल क्रेडर कमीशन क्या होता है? एक्स्ट्रा करने से एक्स्ट्रा क्रेडिट मिलता सेल पे मिलता है, रिस्क लेता कंसाइनर। हाँ, एक्स्ट्रा कमीशन फॉर रिस्क फॉर बैड डेट्स। हाँ, यस सर। एक्स्ट्रा कमीशन फॉर रिस्क फॉर बैड डेट्स। बैड डेट। ओवरराइडिंग कमीशन क्या होता है, किसी को पता है ओवरराइडिंग कमीशन? नो सर। ओवरराइडिंग कमीशन चलिए, ओवरराइडिंग कमीशन को स्पेशल कमीशन ही बोला जाता है। चलिए, ये सपोज कीजिए हम एक रेडियो, उसको कॉस्ट प्राइस है 1000 रुपये, ठीक है, हमने इसको बेचने के लिए बोला है 1100 रुपये है, पक्का समझ रहे हैं आप? यस सर। 1100 रुपये में तो हम उसको 1100 रुपये पे कमीशन देंगे। मान ली 10% कमीशन देते हैं तो हम उसको 110 रुपया कमीशन देंगे। समझ रहे हैं यहाँ तक? कोई दिक्कत? नो सर। लेकिन बोलते हैं अगर आप तुम इससे ऊपर भी बेचते हो तो तुमको एक्स्ट्रा कमीशन मिलेगा। अब मान लीजिए कि 1200 में बेचा तो एक्स्ट्रा प्राइस कितना आया? सर 90 रुपया। 100 रुपया सर। 100 रुपये। इस पे हम तुमको 20% कमीशन अलग से देंगे। 20 रुपये, समझे आप? सर 100 रुपया पर 20% दिया सर। 1200 का 20% सर। नहीं नहीं खाली जो एक्स्ट्रा है उस पे, यही इसीलिए अलग से किए हैं 100 पे सिर्फ। ध्यान दीजिए, सिर्फ इस पे देंगे ना, जितना तुम यस एक्स्ट्रा बचोगे एक्स्ट्रा प्राइस पे, नहीं समझे? एक्स्ट्रा सेलिंग एक्स्ट्रा प्राइस, का प्रॉफिट नहीं, एक्स्ट्रा सेलिंग प्राइस फिर कमीशन। यस सर। इनटू रेट ऑफ ओवरराइडिंग कमीशन। रेट ऑफ ओवरराइडिंग कमीशन समझे? तो जितना हम उसको अलाउ किए हुए हैं तो उतना में तुम बेचो तो नॉर्मल कमीशन मिलेगा, उससे ऊपर तुम जो बेचोगे उस पे तुमको एक्स्ट्रा कमीशन मिलेगा, ओवरराइडिंग कमीशन मिलेगा। समझ पा रहे हैं आप? यस सर। तो क्या होता है ओवरराइडिंग कमीशन, समझ में आ गया? कमीशन ऑन एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा सेलिंग कमीशन। प्राइस, क्या सेलिंग प्राइस से जो ऊपर भी बेच रहा है एक्स्ट्रा, उस पे कमीशन जो मिलता है वो कहलाता है ओवरराइडिंग। चलिए, तो आज हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। हम लोग लगभग लगभग आपको कमीशन क्या होता बता ही दिया, इसके बाद छोटा मोटा केस भी आएगा तो प्रैक्टिस भी सीखेंगे, ठीक है? यस। चलिए, तो आज हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। पेन ड्राइव लगा हुआ है, लगा हुआ कहाँ? इसमें नहीं है, बोले तो नहीं है, इसमें बोले कंसाइनमेंट नहीं है। यहाँ आप छोड़ दीजिए प्रतिमा, प्रतिमा प्रतिमा है दूसरी जगह। हाँ, ऑन है। सबको दिख रहा है? यस सर। क्या लिखा हुआ? यस सर। अरे अनन्या का प्रॉब्लम आ रहा है नेटवर्क। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। चलिए, पहला क्वेश्चन सॉल्व करें।
चलिए कमीशन की गणना, कैलकुलेशन ऑफ कमीशन, ये वर्किंग नोट का पार्ट रहेगा आपका, जो बड़ा क्वेश्चन रहेगा बड़े क्वेश्चन में क्या रहेगा आपका, वर्किंग नोट का पार्ट रहेगा, ठीक है। चलिए बोलता है श्री रामचंद्र ऑफ इंदौर कंसाइंड 80 टीवी सेट्स ऑफ 1000 ईच टू श्री कृष्णा लाल ऑफ धार, कैसे बनाएंगे इसका पहले देख लीजिए। पहले हम दो लिखेंगे, श्री रामचंद्र और श्री कृष्णा, श्री किशन, तो यहाँ पे आप लोग ऐसे करके बनाइएगा, समझ में अच्छे से आएगा। क्या नाम था पहला का? रामचंद्र और ये श्री किशन, श्री किशन, इससे क्या है ना क्वेश्चन पूरा समझ में आएगा, ठीक है। क्या बोलता है श्री रामचंद्र ऑफ इंदौर कंसाइंड 80 टीवी सेट्स ऑफ 1000 ईच, इसने इसको कितना टीवी भेजा है? 80 सेट टीवी एट द रेट ऑफ 1000, ड्राफ्ट कर लेंगे हम लोग। अब धार, द कंसाइनी सोल्ड 60 सेट ऑन कैश 1500 ईच, इसके पास टीवी कितना आ गया 80 सेट? इसमें से क्या जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे करते चले जाइए। बोलता है 60 सेट उसने कैश में बेच दिया 1500 रुपया, 60 सेट एट 1500 कैश में बेचा, पक्का नगद, ऑन क्रेडिट 2000 ईच, 20 सेट वो क्रेडिट बेचा, 20 को उधार बेचा 2000 क्रेडिट से, तो क्रेडिट किया 20 सेट एट द रेट ऑफ 2000 ईच, he gets 9% general commission and 5% deal creditor commission on credit से, देखिए specify कर दिया है on credit sale, अगर ये नहीं देता तो पूरा पे निकालना पड़ता, लेकिन यहाँ पर specify कर दे credit sale पे हम deal creditor commission देंगे और general commission पूरा पे मिलता है, calculate the commission, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, तो पहले ये कितना बेच दिया 1500 × 90, 1500 × 60, 1500 × 90,000, ठीक है, 20 सेट इनटू 20 4000 40000, टोटल सेल्स 1,30,000। आपको पता है जनरल कमीशन किस पे मिलता है? टोटल सेल्स पे, टोटल सेल, क्रेडिट सेल्स दिया है ना? नहीं टोटल, नहीं जनरल कमीशन टोटल, अच्छा सॉरी, जनरल कमीशन रेट क्या है? 9%, डेल क्रेडिटर कमीशन 5%, जनरल कमीशन एट द रेट ऑफ 9%, सिंपल है, 1,30,000 का 9%, बोले कितना होगा? 11,700, एक आंसर ही हो गया, और जो डेल क्रेडिटर कमीशन मिलेगा सिर्फ इस पे मिलेगा, क्या 40,000 का 5%, 5%, 2000, तो 1,700, और ये टोटल कमीशन कितना हो जाएगा? 13,700। चलिए तो आंसर मिला के हम लोग देखते हैं, हम लोग कितना मिला यहाँ पर, जनरल कमीशन 11,700 सही है ना, 11,700। फिर बोलता है डेल क्रेडिटर कमीशन 2000, तो डेल क्रेडिटर कमीशन 2000 है, टोटल कमीशन है 13,700, टोटल है सही, चलिए हो गया, मुझे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Oh, yes, sir. बन गया, ठीक है, इसकी शॉट ले लिए, हो गया आप लोग का? Yes, sir. इसको फ्रेश से बना लीजिएगा आप, बन जाएगा ना फिर से बुना भाग करके? Yes, sir. अनामिका? Yes, sir, बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलिए सेकंड नंबर, राम ऑफ आगरा सेंट सुरेश ऑफ ग्वालियर, तो राम और सुरेश इसमें पहले दो बनेगा, राम और सुरेश, ये हो गया राम। हो गया सुरेश, राम और सुरेश, ठीक। ग्वालियर 200 यूनिट्स 20 पर यूनिट एट इनवाइस प्राइस, 200 यूनिट्स पे भेजा है 20 पे, सेलिंग प्राइस पे भेजा है, इनवाइस प्राइस का मतलब सेलिंग प्राइस, 200 इंटू 20, 200 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 20। चलिए सुरेश सोल्ड 50 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 20 पर यूनिट्स एंड 120 यूनिट्स 25 पर यूनिट्स, द रेट ऑफ जनरल कमीशन इज 10% ऑन सेल एंड ओवरराइडिंग कमीशन इज 4%। कैलकुलेट जनरल कमीशन एंड ओवरराइडिंग कमीशन, ठीक है। तो सबसे पहला 50 यूनिट बेचा जो है सब कैश में, क्रेडिट में कुछ नहीं दिया क्योंकि डेलीगेटर कमीशन है नहीं, तो हम क्या करेंगे 200 यूनिट, इसके पास आया कितना यूनिट 200 में जो पहला बेचा है ये कैसे कैसे बेचा है, 50 यूनिट एट द रेट ऑफ 20, 50 एट द रेट ऑफ 20, 1000 होगा आगे 10000, 1000 ना, 1000, फिर 120 एट द रेट ऑफ 25, दूसरा कितना यूनिट 120 यूनिट एट द रेट ऑफ 25, 3000। कैलकुलेट जनरल कमीशन ओवर राइडिंग कमीशन, चलिए बना के सब दिखाइए। तो रेट क्या है और जनरल कमीशन का है आपका, द रेट ऑफ जनरल कमीशन इज 10%, ओवर राइडिंग कमीशन 4%, जनरल कमीशन 10% और ओवर राइडिंग कमीशन कितना परसेंट है 4%, सारा इंफॉर्मेशन है बताइए। तो सब पहले बनाइए, जिसे पूछेंगे वो आंसर देगा जल्दी से, रफली गुणा करके बताइए कैसे कैसे आंसर आएगा। आप ही वाला कहाँ से, आपका यहाँ से लिए हैं क्या? जैसे हमारा भी कोई डायरी है, वही बोले डायरी मेरा, इसमें लिखते हैं हिसाब किताब लिखते हैं हम लोग, आ जाएगा सेम है तो हमने वही बोले हिसाब से हिसाब लिखा, वो बोले ऊपर से उठा लिए क्या? चलिए आया किसी का पूरे पूरे क्वेश्चन में सारा है, क्या हो गया जनरल कमीशन 400 ओवरराइडिंग कमीशन कितना आएगा? बताइए सर 160 वही तो समझाना है, हम क्या बता रहे एग्जांपल में, एग्जांपल फिर से देखिए आप। अच्छा दूसरा पेज में था वो भी होगा, चलिए एग्जांपल देके समझिए आप लोग, ये वाला नहीं थी। देखिए तो ये वाला 44 सर। समझाए देना ओवरराइडिंग कमीशन कैसे निकालने सिखाते हैं, इसको अप्लाई करके देखिए वहां 24 आएगा सर। प्रीति
एक्स्ट्रा सेल मतलब नहीं, एक्स्ट्रा सेल का मतलब कि एक्स्ट्रा 100 से एक्स्ट्रा क्वांटिटी बेच देगा, एक्स्ट्रा प्राइस सेलिंग प्राइस पे देते थे, नहीं समझे? तो फिर एक्स्ट्रा थोड़ी यूनिट एक्स्ट्रा कहां से लाएगा, इसका नॉर्मल प्राइस हमने बोला था उसको 1100 बेचने के लिए, उसे 1200 में बेच दिया, तो ये 100 रुपए एक्स्ट्रा होगा उस पे ना देगा, तो उस पे हिसाब से कैलकुलेट कीजिए, समझे आप? अब समझ में आया? बताइए, यही था? हाँ बताइए सर। ये खाली बोल रहे हैं, खाली बोल रहे हैं, आया किसी का नहीं आया, आप नहीं समझे कैसे आया? सिंपल तो है। हाँ बोलिए, कुछ बोलिए अनामिका। 120 बेचाना, फिर से ध्यान दीजिए, पहले ध्यान दीजिए, जनरल कमीशन क्या हो गया, पहले 1000 3000 का सेल किया, टोटल सेल्स कितना है इसका 4000, जनरल कमीशन कभी भी टोटल पे मिलता है, तो 4000 का 10% कितना हो गया 400, पक्का जनरल कमीशन, ये हो गया जनरल कमीशन, कोई दिक्कत नहीं। ओवरराइडिंग कमीशन का बात करते हैं, ओवरराइडिंग कमीशन तो एक्स्ट्रा सेलिंग प्राइस, तो एक्स्ट्रा सेलिंग प्राइस क्या है, बेचा है कितना में 25 पर यूनिट बेच दिया, 25, नॉर्मल प्राइस मेरा क्या था, इनवॉइस प्राइस पे बेचे थे 20 थे, एक्स्ट्रा हो गया, और 5 रुपए एक्स्ट्रा कितना यूनिट बेचा, 120 यूनिट बेचा, 120 पे 5-5 रुपए एक्स्ट्रा लिया ना, दिख रहे हैं, 24%, 6×24 तो टोटल कमीशन कितना हो जाएगा 400 + 24, सबको समझ में आया सबको? क्या बोल रहा है, जनरल कमीशन 400, ओवरराइडिंग कमीशन 24, कैसे आया 3000 माइनस, पर हम ये पूरा टोटल टोटल करके लिया है, समझे, हम पर यूनिट करके ले लिए हैं, कोई दिक्कत? इसमें टोटल करके बताया है, मल्टीप्लाई करके बता दिया, इसको बता दिया है, वो ये बताया है 120 × 20, इसको बताया है वो 120 × 25, ऐसे करके बताया है, समझे? तो निकल गया है इसका 3000 और माइनस 2400 इक्वल टू 600, और फिर क्या किया है 600 का 4% अलग से निकाला, क्या 24 समझा के बनाया, इसके लिए इसे बनाया, कोई दिक्कत? ले लिए, ये ले लीजिए, साफ समझ में आ रहा होगा, जूम करके ना तो ले लीजिए, जूम करके ले लिए स्क्रीनशॉट? यस सर, यस सर। आगे बढ़े? यस सर। कि नहीं बढ़े? अच्छा, ऑनलाइन में हम क्या सोच रहे हैं, मतलब ऑफलाइन क्लास खोलेंगे ना, तो डर तो है मार्केट में, देखिए एक्चुअली क्या है, ये गवर्नमेंट ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, समझ रहे हैं?
तो रिस्क है। तो हम क्या सोच रहे हैं, क्लास ओपन तो करना पड़ेगा, नहीं तो मार्केट में कुछ बच्चे जो है जो नहीं जो एकदम बहुत पीछे हैं वो हमसे छूट जाएंगे, गलत के सही, वो डर जाएंगे सीए खुलने के, बाकी खुल गया, उन लोगों को तो ज्ञान देने वाला बहुत है ना, बोलेगा डरपोक है ऐसा है, समझेंगे नहीं। आजकल यहाँ पे लोग किसका साथ दे रहा है, सच का साथ दे रहा है कि झूठ का साथ दे रहा है, दुनिया को दिखाई दे रहा है एकदम जो वही है, भीड़ का हिस्सा है, लोग अपना दिमाग नहीं दौड़ा रहा है कल। और दूसरी बात, न्यूज भी देखता है ना, तो बहुत सारा लोग फेक न्यूज देखता है, वो जो देखते हैं न्यूज सब एबीपी का लोगो लगा देता है, तो सब एबीपी का न्यूज देखे, एबीपी नीचे में देखिएगा ना एबीपी का न्यूज रहता है, सब जेन्यून न्यूज रहता है। हम तो सिंपल सर्च मारते हैं एबीपी न्यूज देख लेते हैं, क्योंकि वो सब ब्रांड है, तो एबीपी न्यूज के नाम पे नरेंद्र मोदी का फोटो लगा के 36 तो न्यूज आता है, जो बोलता है कल से क्लास खुल रहा है, गलत की सही। एबीपी ने साफ बोला है कि कहीं से कोचिंग खोलने या कहीं पर बात नहीं है, 15 मिनट का न्यूज है, सिर्फ बोला है स्कूल खुल सकता है, और जो रेस्ट्रिक्शन था उसी रेस्ट्रिक्शन से खुला नहीं, डाउट सोल्व करवाने के लिए आ सकते हैं, अब पूरा नियम का पालन करना पड़ेगा, गार्जियन का जो हम लोग बता रहे हैं, गार्जियन का लेटर, प्रिंसिपल का लेटर, उसमें भी कंपलसरी नहीं कि आप डाउट पूछने आए, बस क्लास खुला हुआ है, स्कूल खुला हुआ है, बच्चा आना चाहता है तो आ सकता है, बस इतना खाली दिया है वही जो पहले से था, बाकी क्लास खुलने या कहीं पर जिक्र नहीं दिया है। ये लोग कहाँ से सब न्यूज पढ़ लेता है क्या मालूम, नहीं समझे, ज्ञान बांटने वाला बहुत है ना, यहाँ का जो लोकल न्यूज सब है ना वो भी छाप देता है अपना टीआरपी मतलब बढ़ाने के लिए, पब्लिसिटी में लोग वायरल करेगा, 21 तारीख से खुल रहे हैं सारे स्कूल और कॉलेजेस, समझे, ब्रांड न्यूज बड़ा 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 पेपर में नहीं रहता है, लोकल न्यूज सब नहीं सकता अपना पब्लिसिटी बढ़ाने के लिए छाप देता है, सब बैन होना चाहिए, गलत है क्या, गलत की सही। हम सोच रहे हैं क्लास खोलेंगे तो हम सोच रहे हैं क्या सेम जैसे आप ऑनलाइन कर रहे हैं ना वहाँ क्लासरूम से वैसे ही ऑनलाइन करेंगे, और जो बच्चा को लग रहा है ना कि एकदम नहीं ऑफिस खुलवाएंगे, और सोचते हैं जो बच्चा एकदम नहीं आने के लायक है मतलब कि ऑनलाइन नहीं आना चाह रहा है, तो दो चार गुआ बैठेगा आकर के, गलत ये सही, आप सपोर्ट कीजिएगा ना जितना लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं सर हम लोग कभी मतलब थोड़ा सा, क्योंकि वहाँ भीड़ लगाने से अच्छा नहीं है, अभी समझे, वहाँ भी खुला है तो गेट सटा के पढ़ा रहा है, डरा हुआ है कहीं ना कहीं, तो एक कॉन्सेप्ट ऐसा लग रहा है, हम वही रास्ता में भी दिखने के लिए गए थे तो ऐसा लगा नहीं कि खुलेआम सब कर रहा है, कोई दिक्कत, गेट सटा हुआ है और अंदर में पढ़ा रहा है, साइकिल लगा हुआ है, तो बस सिंपल ये कहावत है मरता क्या ना करता, गलत की सही, सही कहते हैं लोग तो लास्ट मर्डर करने पे उतर आता है, अभी दारू भी बिक रहा है तो लोग चोरी छुपा कर पी रहा है कि नहीं पी रहा है, उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा तो पी रहा है, इसका मतलब दारू बिक रहा है और चुरा छुपा के पी रहा है, तो कोचिंग उसी तरह से चल रहा है, गेट सटा होना क्या इंडिकेट कर रहा है, कहीं ना कहीं डर है तब तो गेट सटा है, तो हमेशा गेट खुला के देखो साइकिल में भीड़ लगा बेचार को, बच्चा मेरे पास नया है अभी सब बचा रहा है अपने आप को, सर्वाइव करने के लिए बचा रहा है, तो हमारा जो पॉलिसीज रहेगा हम सोच रहे हैं क्या पॉलिसीज रहेगा, एक दो दिन में ऑफिस खुलवा देते हैं, कोई आदमी कंटिन्यू बैठेंगे वहां पे, और दूसरी बात है क्या जो ऑनलाइन चल रहा है ऑनलाइन चलेगा, और ये बात नहीं क्लास चल रहा है सिंपल, दो चार को साइकिल रहेगा तो बहुत ज्यादा डर नहीं है, पीछे हम साइकिल लगवा देंगे, समझे, इससे क्या होगा सांप भी मर जाएगा और यही पॉलिसी सबसे अच्छा रहेगा, सोच समझ के चलना पड़ता है ना, है कि नहीं, तो बोलता है ना लिटिल मिस्टेक्स कैन टेक आवर लाइफ, जो बना बनाया 7 साल का गुड विल है वो 2 मिनट में सत्यानाश हो जाएगा, गलत की सही, यही से थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, तो आप लोग ऑनलाइन ऐसे ऑनलाइन तो हमेशा चलेगा, तो आप लोग कोशिश कीजिएगा ऑनलाइन ही आने का, ऐसा नहीं कि नहीं सर हम ऑफलाइन आएंगे, बहाना मत मारिएगा, सब हम देख लिए लिस्ट, समझे कि नहीं कौन कौन लोग, समझे कि नहीं, प्रिंस जो जो है सबका स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, भेज दे आपको क्या मतलब, आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा, बाकी जो चार पांच को नया आएगा अपना आएगा क्लास में, कोई दिक्कत नहीं है क्या, यस सर, ठीक आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्या बोले ऑनलाइन मर रहा, नहीं ऑनलाइन अपना ये नहीं बता रहा है, मौर्या के जो पापा है मौर्या और पार्थ को घर से बाहर नहीं निकलने दिए 6 महीना, वो समझ रहा है कहाँ तक निकल रहे हैं, दरवाजा करके दरवाजा तक, नहीं सर अब निकल जा रहे हैं सर थोड़ा थोड़ा मतलब चलिए अब आता है अच्छा वैल्यूएशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक, ये थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है, बाद में बताएंगे इसका मतलब कि ये भी कॉन्सेप्ट आएगा लेकिन आपको बाद में आएगा, अभी जरूरत नहीं पड़ेगा उसका, शॉर्ट में एक बच गया आपका, ठीक है वैल्यूएशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक, अभी क्वेश्चन शुरू कर लेते हैं नॉर्मल वाला, चलिए जैसे बड़ा क्वेश्चन ऐसा रहेगा एकदम नॉर्मल क्वेश्चन रहेगा, नौ नौ टाइम है बन जाएगा,
क्वेश्चन नंबर वन बोलता है मेसर्स राम एंड कंपनी ऑफ कलकत्ता कंसाइंड 50 केसेस ऑफ 200 ईच. तो पहला हम लोग क्या लिखेंगे, राम एंड कंपनी. किसको भेजा है? घोष एंड सन्स. तो राम एंड कंपनी और घोष एंड सन्स, ये है राम एंड कंपनी, ये है घोष एंड सन्स. कोई दिक्कत किसी को? पूरा क्वेश्चन को यहाँ पर ड्राफ्ट कर लीजिए पहले, जैसे जैसे बोल रहा है. राम एंड सन्स ऑफ कलकत्ता कंसाइन 50 केसेस ऑफ 200 ईच. तुम लोग ऐसे करेंगे, 50 केसेस भेजा है एट द रेट ऑफ रुपीज 200 ईच. कटिहार, द कंसाइनर पेड 200 फॉर इंश्योरेंस एंड 300 फॉर फ्रेट. तो ऐसे लिखेंगे, इसने पेड किया है, क्या क्या पेड किया है? पहला 200 इंश्योरेंस दिया है 200 का, तो इंश्योरेंस 200 का, और फ्रेट दिया है 300. सब दिख रहा है, क्वेश्चन हम पूरा ड्राफ्ट कर लेंगे. द अकाउंट सेल्स वाज रिसीव्ड फ्रॉम द मेसर घोष एंड सन्स. अकाउंट सेल्स का मतलब जो भेजा, नहीं समझे? अकाउंट सेल्स क्या था? ये जो भेजता था अकाउंट सेल्स. यस सर. The total sales amounting 14,000. उसमें ये लिखा हुआ था जो 50 केसेस इसके पास आया. अभी तो बेसिक क्वेश्चन है, बहुत इजी रहेगा. The account sales received from Mr. Ghosh and Sons, the total sales amounting to rupees 14,000. इसने बोला क्या जो सेल्स किया है 14,000 का सेल्स किया है. The expenses incurred by Mr. Ghosh and Sons were postage 20, cartridge 50, godown and 130. तो पहले लिख दीजिए पोस्टेज कितना का 20, कार्ट्रिज 50, गोडाउन रेंट 130. द कंसाइनी इज एंटाइटल्ड टू गेट ए कमीशन ऑफ रुपीज 4% ऑन सेल्स. मतलब जनरल कमीशन है, जो कमीशन है इसका कितना है 4%, जनरल कमीशन. The amount due on the consignment was received from the consignee through check. जो बैलेंस निकला आप कमीशन काट के, जो बैलेंस निकला उसने क्या किया consignee ने? इसको पेमेंट कर दिया. किसके थ्रू? चेक. चेक के थ्रू पेमेंट कर दिया. थ्रू चेक. पास जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर एंड प्रिपेयर द कंसाइनीज एंड कंसाइनमेंट अकाउंट. कोई दिक्कत नहीं, हम लोग जनरल एंट्री बनाएंगे और बन जाएगा. तो पहले हम बता देते हैं आपका ट्रांजेक्शन नंबर कौन कौन सा है. देखिए क्वेश्चन को पूरा ड्राफ्ट कर लेंगे. देखिए ध्यान दीजिएगा, एक राम एंड कंपनी है जो घोष एंड सन्स को 50 केसेस 200 यूनिट्स पे भेजा, और भेजते समय उसने खर्च किया इंश्योरेंस पे 200 रुपए और फ्रेट पे 300 रुपए. ठीक है, कंसाइनी घोष एंड सन्स ने गुड्स एक्सेप्ट किया, रखा और उसने सेल किया, और उसने कुछ दिनों के बाद एक अकाउंट सेल्स भेजा राम एंड कंपनी को, जिसमें उससे राम एंड कंपनी को पता चला कि वो टोटल सेल्स कितना किया था 14,000 का किया था, और उसने कुछ खर्चा किया था पोस्टेज पे 20 रुपीज, कार्ट्रेज पे 50 और गोडाउन रेंट पे 130. उसने कमीशन काट लिया और अपना एक्सपेंस भी काट लिया होगा, नहीं काटा होगा एक्सपेंस? यस सर. अपना एक्सपेंस और कमीशन काटने के बाद जो बैलेंस बचा वो क्या कर दिया? चेक के थ्रू राम एंड कंपनी को भिजवा दिया. तो आपको बताए थे ना पहला गुड सेंट होता है, तो उसके लिए एक एंट्री इसके लिए करेंगे. ठीक है, क्या एंट्री करेंगे प्रीति? सब देख लीजिए और रिकॉर्ड की मतलब कीजिएगा. कंसाइनमेंट तो गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट. आप सुन लीजिए हम क्या बता रहे बनाने का तरीका, क्योंकि जर्नल एंट्री जो 11 में पढ़े हैं फॉर्मेट उसी तरह का रहेगा, और एंट्री क्या होगा जो हम बता देते हैं सही से बता देंगे. अगर आपका कल बनाया तो ठीक है, नहीं तो परसों रिकॉर्डिंग से मिला लीजिएगा. परसों तो रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, रिकॉर्डिंग से मैच कर लीजिएगा हम बोले क्या है, उसको लिखने की क्या जरूरत है. चलिए प्रीति बताइए पहला एंट्री क्या होगा. कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट. अमाउंट कितना आएगा? 10,000. सही है, किसी को प्रॉब्लम? नो सर. दूसरा क्या बताया थे? कंसाइनर एक्सपेंस करता है. क्या एंट्री होगा अनन्या? कंसाइनमेंट कैश. कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. नरेशन में लिख देंगे बीइंग एक्सपेंसेस पेड फॉर इंश्योरेंस 200. इतना नरेशन में पूरा क्लियर कर देंगे, लेकिन एंट्री क्या होगा नॉर्मली? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट.
तीसरा एंट्री हम बताए थे एडवांस के लिए, तो एडवांस नहीं आया है तो तीसरा एंट्री होगा ही नहीं। तो ऐसा नहीं आपको नो एंट्री लिखना नहीं है, आपको सिर्फ दो एंट्री करना है, मतलब तीसरा जगह कॉलम को नहीं लिखना है, आपका तीसरा एंट्री ये बन जाएगा पक्का। तो सारा सिचुएशन समझ में आ गया। और फिर क्या किया अकाउंट सेल मिलने के बाद ये एक्सपेंसेस के लिए क्या प्रेरणा बताइए क्या एंट्री करेगा, ये तीसरा एंट्री ये हो जाएगा आपको, चौथा बोलते हैं हम लोग, चलिए क्या एंट्री होगा क्या होगा प्रेरणा बताइए। सर बताएं। नहीं रुको नहीं, हाँ अनाम एक मिनट, प्रेरणा क्या हुआ आप लाइन पे नहीं है क्या? प्रेरणा अनामिका आप बोलिए। कंसाइनमेंट टू कंसाइनी। कंसाइनमेंट टू कंसाइनी एकदम सही है, हम रफली लिख भी देते हैं नहीं तो चल ध्यान दीजिए। इसके लिए शॉर्टकट में लिख देते हैं, इसके लिए एंट्री होगा कंसाइनमेंट टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट पक्का। इसके लिए क्या हो जाएगा कंसाइनमेंट टू कैश, इसके लिए क्या हो जाएगा कंसाइनमेंट टू कंसाइनी, कंसाइनी का मतलब कंसाइनी ठीक है। चलिए पांचवा कमीशन कितना आएगा इसका, अनामिका बताइए कमीशन अच्छा कितना आएगा कमीशन 14,000 × 4 500। अंकिता बताइए इसके लिए क्या एंट्री होगा कमीशन के लिए सर। नहीं तो इतना ज्यादा कैसे हो जाएगा, रीति भगवाई हुई है लता तुरंत उठी है, नहीं नींद में चाय नहीं पी क्या, चाय नहीं मिला दो तीन बार, आप मेरा नॉर्मल नॉर्मल मिस्टेक कर रहे हैं, सिली मिस्टेक जिसको बोलता है। रुक जाइए कौन बताएगा कौन बताएगा, शिल्पी शिल्पी हाँ शिल्पी शिल्पी बोलिए शिल्पी बोलिए कंसाइनमेंट के लिए खर्च हुआ और किसको देना है कंसाइनी को देना है, कंसाइनी टू कंसाइनमेंट टू कंसाइनी समझे, क्लियर है? यस सर। चलिए अब उसको चेक देने के लिए क्या एंट्री करेगा बताइए सिक्स नंबर, कैश या बैंक टू कंसाइनमेंट, कैश या बैंक टू कंसाइनमेंट कंसाइनी कंसाइनी ना, एक पता है क्यों कंफ्यूज क्यों कर रहा है, यहाँ पर एक एंट्री छुपा हुआ है, सेल का एंट्री अभी हुआ ही नहीं है इसके लिए समझे, उसी लिए कंसाइनी वगैरह तो कभी लिया ही नहीं, कितना कितना ले लेगा, दिया कुछ हो नहीं समझे। चलिए सेल्स का एंट्री क्या होगा बिल्कुल एकदम वेरी गुड, अनामिका का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, कंसाइनी सॉरी कंसाइनी टू कंसाइनमेंट। एक्चुअली चौथा ये था पांचवा ये होता छठा ये था सातवा ये पक्का। ये बनने के बाद क्या लगता है आप आराम से जर्नल छह को जर्नल एंट्रीज होगा, तीसरा तो है नहीं छह जर्नल एंट्रीज होगा, जर्नल एंट्री करने के बाद क्या हो जाएगा आपको कंसाइनमेंट अकाउंट बन जाएगा और कंसाइनी अकाउंट नहीं बन जाएगा। ऐसा करते हैं हम कंसाइनमेंट अकाउंट बना देते हैं, आप लोग जर्नल एंट्री कर लीजिएगा ज्यादा अच्छा रहेगा, कि पहला क्वेश्चन पूरा बना दें, पूरा बना ही देते हैं। चलिए पहला है ना तो हम लोग किसमें कर रहे हैं जर्नल एंट्रीज बना देते हैं अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं, पहला क्वेश्चन है भी बहुत क्वेश्चन है, बाकी में बंक मार देंगे। बंक मतलब क्या मारेंगे, चूंकि एक समय का बर्बादी, लेकिन एक क्वेश्चन बना देते हैं कॉन्फिडेंस आ जाएगा सॉल्यूशन ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर होगा, नाम नहीं लिया नहीं लिखेगा ऐसा तो सब जगह खाली कंसाइनिंग का नाम आएगा सब जगह, जर्नल एंट्री में भी चेंज होगा
ठीक है, सही किया लगता है बना करके, नहीं तो आप लोग तो वही लिख देते। अरे कंसाइनर का मतलब भेजता है, उसका नाम दिया हुआ तो नाम लिखेंगे ना। वाह, सब मिस्टेक कर देता है अभी, अच्छा वो बता दिए। डेट पार्टिकुलर चलिए, डेट तो दिया नहीं है, डेट था डेट देते, नंबर वाइज दिया है। पहला हम लोग क्या बताए थे, कंसाइनमेंट फॉर गुड सेंटर, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट। शिव कुमार जी आप सुन रहे हैं कि नहीं आप? यस सर। चुपके चुपके, नरेशन में लिखने की जरूरत नहीं, नरेशन आप लोगों ने जरूरी नहीं, ठीक है ना। कितना अमाउंट था? 50 into 200, यही अपना नरेशन हो गया क्या? दूसरा खर्च किया, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नरेशन में लिख दीजिए क्या क्या था, इंश्योरेंस था 200 का, प्लस फ्राइट था 500। तीसरा एडवांस तो था नहीं, तो डायरेक्ट तीसरा में कंसाइनिंग का एक्सपेंस आ जाएगा। कंसाइनिंग एक्सपेंस के लिए क्या एंट्री करेंगे, यहाँ पे सब मिस्टेक करेंगे। क्या क्या होगा, सब लोग गलती करेगा, हमको पता था। जल्दी बताइए एक्सपेंस के लिए क्या एंट्री होगा। हाँ शिव कुमार जी बोले, किसका आवाज था, सिर्फ पाठक जी का आंसर सही आया। वेरी गुड, ये सबसे होशियार स्टूडेंट है जो सुनना चाह रहे थे। बताइए किसी शिव जी क्या होगा, बताइए शिव जी, सही बोले बताइए। गुस्सा आता, क्या हो गया शिव जी, क्या बताए थे बोलिए। समझे आप हम क्या बोलना चाह रहे थे, अरे कंसाइनिंग का नाम ना लिखेंगे। ओह यस सर, सब मिस्टेक करेगा। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू घोष एंड सन्स अकाउंट, तब ना घोष एंड सन्स का अकाउंट खुलेगा। घोष एंड सन्स अकाउंट एक्सपेंसेस के लिए नहीं, कितना कितना एक्सपेंस है, पोस्टेज 20, ज 50, गोडाउन रेंट 130, टोटल कितना हो गया 50, 20, 70, 100, 200। ठीक है आगे बढ़ते हैं, तीन एंट्री हुआ, फिर आगे आप लोग को चैलेंज भी कर देते हैं फिर भी गलती कर देते हैं। नहीं गलत की सही, सही मतलब हमसे ज्यादा आपको अपने आप पे विश्वास है। नहीं सर बोल रहे इसका मतलब नहीं समझ रहे, कुछ बोले हैं, कुछ बात होगा, हम जो सोच लिए वो सही है क्या। इसके बाद क्या बताए थे, पांचवा एंट्री सेल के लिए क्या एंट्री होगा, बिल्कुल। चौथा
गोस एंड सन्स अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट कितना है? 10,000 उसके बाद कमीशन के लिए कंसाइनमेंट टू गूस एंड सन्स चौदह हजार का कितना था? 4% फाइव सिक्सटी आप लोग समझ में आ रहा है कि नहीं? सिक्स नंबर क्या था? सिक्स नंबर बैंक अकाउंट डेबिट गोश्त नहीं है, गोश्त है, गोश्त का मतलब भूत होता है, गोश्त बंगाली का सर ने, बंगाली लोग हमारी गोश्त मैडम थी, इंग्लिश की जो टीचर थी वो कारों में घोष मैम थी हम लोग की, तो बंगाली का सरनेम होता है, समझे? घोष्ट का मतलब भूत होता है, भूत। चलिए तब यहाँ पे अमाउंट अभी नहीं आएगा, इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको? पहले उसका अकाउंट बनाना पड़ेगा, समझे आप? एंट्री इतना कंप्लीट हो गया, 6 एंट्री। तब एक शॉर्टकट तरीका देखिए बनता कैसे है। जर्नल से लेजर तो सब बना लेते हैं, चलिए आप लोग को एक शॉर्टकट तरीका बताते हैं डायरेक्टली कैसे बनेगा, ध्यान दीजिए। हम एक बनाएंगे कंसाइनमेंट अकाउंट जो कि पीएल अकाउंट की तरह होता है, डायरेक्ट बनाने सिखा रहे हैं, जर्नल के थ्रू तो बन ही जाएगा, मैच करके देख लीजिएगा। कंसाइनमेंट अकाउंट, अकाउंट टी शेप का होता है, इसमें डेट उठ नहीं आता है, अगर कभी कभी दिया रहेगा हर एक जिस ट्रांजेक्शन में दे सकते हैं, लेकिन मतलब नहीं है अभी, सिंपल बनाइए अभी। पार्टिकुलर्स अमाउंट, पार्टिकुलर्स अमाउंट, देखिए इसमें मैक्सिमम क्या क्या होता है ध्यान दीजिएगा, जो मतलब आपका मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाएगा। पहला क्या होता है, सामान भेजेगा तो खर्चा होगा ना इसका, सीरीज में ट्रांजेक्शन याद हो गया तो बहुत इजी हो जाए, कैसे कैसे हुआ था, तो पहला सामान भेजा तो कंसाइनमेंट का खर्च हुआ, तो खर्च होगा तो डेबिट करेगा, और इनकम होगा तो क्रेडिट। तो क्या लिखेगा, पहला सामान भेजने के लिए क्या होगा, टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ठीक है। उसके बाद ही खर्च करेगा, खर्च करने के लिए लिखेगा टू कैश या बैंक, पक्का जो भी खर्च का नाम रहेगा यहाँ पे खर्च का नाम दे देगा। तो इसमें कितना खर्च था, 2 कि 3 था? 2 ही था, इसका 3 था, इसका शायद 2 ही था, 2 था, इंश्योरेंस और फ्रेट। ठीक, चलिए जो भी खर्च है खर्च दे देंगे। इसके बाद तीसरा एडवांस का नहीं आता है, फिर कंसाइनी के खर्च के लिए आता है, टू गोस एंड सन्स अकाउंट, समझे? गोस एंड सन्स लिख देंगे यहाँ पे, क्या एक्सपेंसेस के लिए ब्रैकेट में दे देंगे एक्सपेंस, उसका एक्सपेंस होगा ना, तो इस एक्सपेंस का नाम दे देंगे, हर एक क्वेश्चन में मैक्सिमम ही आएगा, उसके बाद फिर गोस एंड सन्स आएगा, क्यों? कमीशन के लिए, गोस एंड सन्स कमीशन के लिए, जितना ज्यादा कमीशन रहेगा उतना नाम दे देंगे, तो इस क्वेश्चन में एक ही कमीशन है, 3 कमीशन आ सकता था, समझ रहे हैं? वो खर्च हुआ, कंसाइनर खर्च किया, कंसाइनी खर्च किया और कंसाइनी खर्च किया, गलत ही सही? सही सर, खर्च किया, अब सेल करेगा, तो बाय गोस एंड सन्स, मतलब पैसा गोस एंड सन्स रिसीव कर लिया, गोस एंड सन्स ये क्या है, सेल्स है, इसमें भी 2 आ सकता था, कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स, तो यहाँ पर एक ही सेल दिया हुआ है, कैश सेल्स, पक्का, अगर होता तो क्रेडिट भी दे देते, और लास्टली कभी कभी क्या आएगा आपको, बाय कंसाइनमेंट स्टॉक जो बचेगा उसके पास, इसमें लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंसाइनमेंट स्टॉक यहाँ पे आपका नहीं आएगा, पक्का बेसिक क्वेश्चन यहाँ तक बन जाएगा, क्लियर? जर्नलिटीज क्या हो गया, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, दिख रहा है सबको?
कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू घोष एंड सन्स अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू घोष एंड सन्स अकाउंट, घोष एंड सन्स अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, पक्का? टाइम हो गया, रुक जाइए, उन लोग को ना हम रिसीव करते हैं फोन पे, तब तक आपको क्वेश्चन करा दो मिनट रुक जाइएगा लाइन पे रुकिएगा। चलिए तो सबको अमाउंट समझे, बेसिक फॉर्मेट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार आप लोग, ये बेसिक फॉर्मेट है। ले लिए? ये कितना था सामान, कितना का भेजे? 10,000 का भेजे ना? हाँ 14,000 का सेट किए थे। 10,000 खर्चा कितना कितना किए थे? 200, 300, 500 एक्सपेंस क्या क्या किया था वो? पोस्टेज कितना का था? 20। उसके बाद कार्ट्रेज था 30, कितना था? 50। उसके बाद गोडाउन रेंट था 200 ही हो गया। 200 कमीशन कितना था? जनरल कमीशन 560। पक्का? चलिए अब ध्यान दीजिए, तो इसका बैलेंस निकालेंगे 14,000 जो बैलेंस आएगा वो प्रॉफिट हो जाएगा। 10,000 प्लस 500 प्लस 200 प्लस 560 माइनस 14,000 2740 आंसर दिया है। प्रॉफिट 2740 पक्का? प्रॉफिट ठीक है। इंट्री से लेजर पोस्टिंग इसी तरह करते हैं, डायरेक्ट पोस्टिंग कर सकते हैं इस तरह से। यस सर। सांस का अकाउंट बनाएंगे तो उसका क्या हिसाब आएगा पता है? कितना आएगा उसमें? 14,000 रुपया रिसीव किया, नहीं समझे? और वो खर्चा काट लेगा, देखिए मैनुअल समझिए, 14,000 पे जाता 14,000 प्लस करेगा, एक रफली बना देते हैं, 14,000 का बना लीजिएगा आप लोग, 14,000 रुपया रिसीव किया और खर्चा क्या क्या काटेगा अपना? 200 रुपया एक्सपेंस काटेगा और 560 रुपया कमीशन काटेगा, बाकी दे देगा वापस, गलत है सही? तो तीन ही इंट्रीज में 14,000 माइनस 200 माइनस 560 13,420 है आंसर, है ना? 13,240 ही आ रहा है, आपको देखने में मिस्टेक हो गया, लेट हो रहा है ना, 13,240 ही आया, दिख रहा है? यस सर। यस सर। आप लोग का चेहरा याद आ गया, इसके लिए 420 निकल गया, समझे आप? 13,240 क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और कल साफ साफ बना के सब व्हाट्सएप कीजिए, बहुत लोग व्हाट्सएप नहीं कर रहे हैं। हो गया, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया? यस सर। हो गया इसका? हो गया सर। हो गया लाइन पे बहुत लोग आ गए हैं। आप लोग शिक्षा लाइन पे आ गए क्योंकि नहीं भी आया है? कौन कौन नहीं आया? प्रीति अभी आई। गुड मॉर्निंग सबको।
गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। दो मिनट वेट कीजिए, पार्ट वन का बैच चालू ही है। हो गया, इसकी शॉट ले लिया आप लोग? यस सर, यस सर, चलिए ले लीजिए। ठीक है, तो कल आप लोग कंप्लीट करके बना के लाइए आप लोग ये सब। ठीक है, अच्छे से बनाइए, अगला ट्राई कीजिए, बन जाएगा। और कॉन्सेप्ट में हमको नहीं लगता कोई प्रॉब्लम हुआ होगा आप लोगों को। नहीं सर। तो तीन क्वेश्चन अच्छे से बनाइए। ठीक, चलिए कल मिलते हैं हम लोग। बाय बाय सर।